आसाम होटल है, देख सकते हैं इधर आसाम होटल है, तो चलते हैं आसाम होटल के अंदर। बाय 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 बाय। अरे बाप रे, अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज एक्चुअली क्या है, आज मुझको जाना है जोरहाट। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा गाड़ी मतलब पूरा गंदा हो गया था, कीचड़ में घुस गया था। तो अभी लेके जा रहा हूँ धुलाने के लिए, और फटाफट से धुला के लेके आऊंगा, और फिर मुझको जाना है जोरहाट एक्चुअली। तो पहले चलता हूँ फटाफट से कार धुलाऊंगा, और उसका सेविंग भी कराना है, सेविंग कराऊंगा, उसके बाद फिर चलूंगा घर, और फिर भाभी को लेके और पापा जाएंगे साथ, देखते हैं कौन जाता है। तो भाभी को लेके फिर चलेंगे जोरहाट। तो प्रोसेस चलता हूँ और मैंने गाड़ी धोना है, वॉश हो रहा है, अभी जोरहाट जाना है। तो गाड़ी वॉश हो रहा है, अभी देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत गंदी तरीके से पूरा कीचड़ हो गया था, गाड़ी में लग गया था, घुस गया था गाड़ी। तो अभी इसको वॉश कराने आए हैं, उधर वॉश हो रहा है, और वॉश हो जाएगा उसको जोरहाट जाना है भाभी को छोड़ने। तो पहले वॉश करा लेता हूँ, फिर जाकर फ्रेश होऊंगा और उसके बाद गाड़ी लेके जाऊँगा। बहुत ही गंदा हो गया था, ठीक है ना, वॉश हो रहा है इधर। तो फाइनली फ्रेंड्स गाड़ी धुल गया और रेडी हो गई गाड़ी मेरी। सेविंग करवाना है थोड़ा सा, तो सेविंग भी करवा लूंगा और सेविंग करवा के फिर चलूँगा। फाइनली फ्रेंड्स मैंने सेविंग भी करवा लिया और गाड़ी भी तो धुल ही गया था, हम लोग का गाड़ी धुल ही गया था, और सेविंग भी करवा लिया मैं, और फटाफट से अब चल रहा हूँ, नहीं तो देर हो जाएगा। भाभी भी रेडी है, सब रेडी है जाने के लिए, और मैं बहुत लेट कर दिया। और एक्चुअली सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, और 12 बजने को आ गया, तो देर हो गया थोड़ा मेरा, और अभी नहाना भी है। तो क्या करें, काम था बहुत सारा, सुबह से बहुत बहुत ज़्यादा काम था, तो सारा काम ख़त्म करके फिर गाड़ी धुलाया, सेविंग करवाया, सारा कुछ करने में टाइम लग गया, तो फिलहाल हो गया। और जल्दी चलता हूँ घर और फटाफट से जाके निकलूँगा। बहुत जोर का भूख लग गया एक्चुअली मुझको, इसलिए आवाज़ आप लोगों को कम आ रहा होगा, मेरी हालत ख़राब हो गई एक्चुअली सुबह से, काम 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 बहुत सारा काम था, फिर ये सब करना पड़ा, मतलब अभी जोरहाट भी जाना है। तो आज बहुत काम है मेरा, मतलब मैं एकदम आज हालत ख़राब हो गया मेरा, सच्ची में अभी हालत ख़राब हो गया। तो प्रॉपर से फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होकर कुछ खाता हूँ पहले, बहुत जोर का भूख लग गया है। मेरी फ्रेंड्स मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ, और अभी जाके मैंने कुछ खाया, और टाइम बज गया 1 बजने को आ गया, मतलब इतना ज़्यादा टाइम है, देख सकते हैं इधर 1 बजने को आ गया है। तो 1 बज गया है, तो अब हम लोग चलेंगे, निकलेंगे प्रॉपर से, भाभी रेडी हो रही है अभी, प्रॉपर से चलेंगे और फिर भाभी को छोड़ेंगे, हमें ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर प्रॉपर से आएंगे। तो चलते हैं, रेडी हो गई जाने के लिए, आने का घर लाल लाल पहन के। राघव जी तू चल जाता, जल्दी आइया, चल 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 चलो चलो। फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं जोरहाट के लिए, और जा रहे हैं पीछे, हमारी बाबू भी रेडी हो गई है इधर, वो भी रेडी हो गए, मनीष भी आ गया है, मनीष एक्चुअली जाने वाला नहीं था लेकिन वो भी अभी आ गया, स्कूल से तो निकल गया, तो फाइनली अभी निकले हैं, देर हो गया, 2 बजने को आ गया, तो जल्दी निकल चुके, निकल तो गए हैं, देर हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें अभी निकले हैं, तो अभी जल्दी घूम के भी आना पड़ेगा वहाँ से, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर रात हो जाने से फिर दिक्कत हो जाता है गाड़ी में, एक्चुअली लाइट का थोड़ा इशू है, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, देखते हैं क्या होता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने का कोशिश करेंगे। फाइनली आके पहुँचे अभी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है हम लोग आसाम होटल में रुकते ही हैं कुछ कुछ लेने के लिए और कुछ खाने के लिए, तो इधर आसाम होटल है, देख सकते हैं इधर आसाम होटल है, तो चलते हैं आसाम होटल के अंदर, देखते हैं कुछ खाने के लिए खाएंगे और कुछ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और देख लेते हैं क्या मिल रहा है, कुछ लेना भी है, और एक्चुअली चाय पीना मेरे को नींद नींद लग रहा है, अभी से ड्राइव कर रहा हूँ, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, थोड़ा चाय पी लेता हूँ। आगे हैं आसाम होटल में, ये ले लिया,
अमूल कूल मैंने भी ले लिया और ये भी पी रहा है अमूल कूल, और इसके वजह से मैंने अमूल कूल लिया। एक्चुअली अमूल कूल उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं मुझको। देखिए पूरा होटल का अंदर का एरिया देखिए, बहुत सुंदर बनाया हुआ है बैठने का, और ये सब है यहाँ पे वाइब्स वगैरह लिखा हुआ है, चाय बहुत ही खूबसूरत है पूरा जगह। फ्रेंड्स फाइनली चल रहे हैं, देर हो रहा है एक्चुअली, हम लोग का 4 बज के पार हो गया यहीं पे, तो फटाफट से चलेंगे, ज़्यादा देर हो जाएगा तो फिर आने का टाइम दिक्कत हो जाएगा हम लोग का। फटाफट से निकल रहे हैं और अब सीधे चलेंगे भाभी घर पे रुकेंगे। फाइनली फ्रेंड्स आके पहुंच गया, और यहाँ पूरा ये फैक्ट्री है, मैंने टी स्टेट फैक्ट्री है पूरा इधर, और अभी आके जस्ट पहुँचे हैं। मैं थोड़ा टॉयलेट करने चला गया, बहुत जोर से लग गया था, और इधर गाड़ी पार्क कर दिया हमें और ये सामान सब उतार रहा है, तो चलते हैं अब अंदर घर के अंदर देखते हैं। अभी तो उतर के चली गई पापा लोग भी, सब लोग चले गए, तो मैं चलता हूँ अंदर। चलो चलते हैं अंदर, लो कर इसको घुमाने के लिए ले आए हैं। घूमेगा ना बाबू हम लोग के साथ, जाएगा घर? हाई दिखा दो, हाई दिखा दो कैमरा में, हाई दिखा, थोड़ा बीमार है एक्चुअली, तो अभी हम लोग थोड़ा इसको घुमा देंगे यहाँ पे पास में ही, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। निकल गए एक्चुअली, ये बोल रहा था इसको घूमना है, तो इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, तो इसको घुमाने लेके आगे और यहीं से घूम लेंगे हम लोग, और घूम के फिर प्रॉपर पापा भी निकल चुके हैं, तो निकल के फिर चलेंगे प्रॉपर से घर, नहीं तो देर हो जाएगा। लेट ऑलरेडी हो गया, 5 बज गया है, तो फटाफट से निकल। तुम रहो बाबू, रहो नितर रहो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, बाय 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 बाय। और बाबरे फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और कुछ दूर तक रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं अभी, और रात हो गया एक्चुअली हम लोग का, तो थोड़ा देर हो गया निकलते, और अभी निकले हैं जस्ट, तो फटाफट से जा रहे हैं। मेन रोड जल्दी निकलना पड़ेगा, मेन रोड निकलने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग को, धीरे धीरे चले जाएंगे। अभी सिर्फ ये पहले वाला जो गाँव का रास्ता है ये थोड़ा सा ख़राब है एक्चुअली। फ्रेंड्स आके पहुंच गए डिमो, और जोरहाट से एकदम एक्यूरेट टाइम लगा है 1 hour 53 minutes डिमो तक, लेकिन हमने 1 hour 53 minutes लगा पूरा, 6 बजे 8 बजे। रास्ता बढ़िया है लेकिन कहीं कहीं तो ख़राब भी है, लेकिन अभी फिलहाल तो पहले तो बहुत बेटर हुआ रास्ता। तो आके अभी घुसे हैं विनय होटल में, डिमो पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर घुसे विनय होटल में थोड़ा चाय पी लेते हैं, तो नींद नहीं लग रहा, तो चाय पी के फिर घर चलेंगे। तो फ्रेंड्स चाय पी लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा मूड अलग लग रहा था, मतलब नींद लग रहा था, गाड़ी चलाते रहा था कि 2 घंटा से नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो चाय पी लिया। ज़्यादा दूर नहीं है घर, लेकिन फिर भी यहाँ पे समोसा वगैरह खाने का मन था थोड़ा सा, तो इसलिए चाय पीने घुस गया। तो अभी चाय पी लिया हम लोगों ने और अब निकल गए हैं, अब चलेंगे सीधे घर। आगे पहुंच गए घर, और इधर बन रहा है सब्जी, और इधर चाची बना रही है रोटी। क्या बना रही है? मटर का सब्जी और रोटी, जो मैं मुझे पसंद नहीं है, मैं ही बनाऊंगी। कुछ तो कुछ करेंगे, आज 20-25 साल से खिला कर बड़ी की है, तो कुछ तो कुछ बना के खिलाना ही पड़ेगा। तो अभी बन रहा है पटल का सब्जी, मुझे उतना पसंद नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, खाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, खाएंगे लेकिन उसके साथ और कुछ अगर एडजस्टमेंट कर सके तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक बूंद दूध मिल जाएगा। अच्छा, दूध का उपाय बता दी है, तो देखते हैं जैसे खाना बन जाएगा फिर खाएंगे, सोऊंगा, बहुत थक गया मैं एक्चुअली गाड़ी चला चला के, 4-5 घंटा नॉन स्टॉप गाड़ी चलाया हूं, तो फिर बहुत थकान हो गया, और ज़्यादा रुके भी नहीं भाभी के घर में, मुश्किल से 1 घंटा रुके और फिर आना पड़ा, तो मान के चलिए नॉन स्टॉप ही गाड़ी चलाना हो मेरा 4-4.5 घंटे के आसपास, तो वही थक गया पूरा, तो प्रॉपर से खा के और सोऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए घर, और मैं देखा अनिस ने कुछ नया चीज़ यहाँ पे खरीदा है, नया चीज़ लाया अनिस साइकिल, और इधर इसका साइकिल आ गया, देखिए बहुत ही खूबसूरत साइकिल, पेट कम करने के लिए, इसका पेट कम है, पेट ज़्यादा हो गया ना इसलिए। इसका साइकिल का फीचर्स बताओ। सिंगल सीटर है, डबल डिस्प्ले है, और बोतल होल्डर है पड़ा, और यहाँ से वहाँ, और नॉन स्टॉप भी हो गया, थोड़ा देर ही रुके तो नॉन स्टॉप ही हो गया। तो अभी खाना खाया मैंने, और फाइनली अब बहुत बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है, और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग कुछ अलग ही मिलने वाला है,
कुछ यूनिक ही मिलने वाला है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि एक यूनिक ब्लॉग हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होगा। तो कल वाला जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, तो कल का ब्लॉग आप जरूर से ज़रूर देखिएगा और मिस मत कीजिएगा। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत यूनिक है, तो कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। और बाकी तो थंबनेल आप लोग देख कर समझ जाएंगे क्या है ब्लॉग, तो कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, जरूर से ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों का आई होप। और बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत बहुत कुछ और सब पता चलेगा आप लोगों को ब्लॉग देखेंगे तब। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लाइक गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं।